हो गिर गया कप, अच्छा हुआ नीचे नहीं गिरा, नाजुक सा तो है टूट जाएगा। और मैंने किर है भी तो इतना सस्ता, कैन को मैंने बोला था थोड़ा महंगा दिला देना, पर वो तो कह रहे थे नहीं भी तो यही सस्ता वाला लूंगा, ज्यादा पैसे खर्च रहते, कितना कंजूस है कैन। क्या बोल रही हो तुम, इतना महंगा मैंने तुम्हें क्रॉकरी साथ दिलाया। नहीं मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही, अरे नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही मैं तो कुछ भी नहीं बोला अगले बार तुम्हें मीठे के बर्तन दिलाऊंगा, फिर तुम चूल्हे पे खाना बनाना। बिल्कुल नहीं, तुम्हें छोड़ोगे नहीं मैं, घर चले जाना चाहते हो क्या, इतना महंगा घर बनवाया हमने तुम्हें तुम्हें क्यों करते हो गाना सो तुम। अरे मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगी नाना, पहले मुझे तो देख लो। हाँ हाँ तुम्हें तो बहुत सालों से देख रही हूँ मैं। योगा तो किया नहीं, योगा तुमसे नहीं होगा बेटा, मुझसे तो हो जाएगा। वैसे भी मैं थोड़ा लूज हो जाता हूँ, गैस निकल जाती है, खाने के टाइम भी है सब इसी से तुम्हारा दिन शुरू होता है, इसी से खत्म होता है। और तुम लोग वहां बैठ के क्या कर रही हो, तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेजोगे कि ब्रेकफास्ट खा लो, ऐसे अपने आप को महारानी समझती है। कुछ अच्छा नहीं बनाया, मजा भी नहीं आया। बिल्कुल सही, बना लो कल से खुद बना कर देखते, फिर पता लगेगा कैसे मम्मा को काम करना पड़ता है। मेरी तो कोई कंट्री भी नहीं करता। बंका बना लिया करो, तुम भी जाओ ऑफिस, घर मत आना दोबारा, बाय। पीप पीप, स्कूल बस आ गई, चलो मैम का दिमाग खाने के लिए, मम्मा का तो बहुत खड़िया। ये आता क्या तुम्हें, ये लो तुम्हारा स्कूल बैग, इसके लिए तो एक नौकर रख लो मम्मा, ये नहीं उठता मुझसे। हाँ जुमान तो तुम्हारी कचर कचर चलती है, उसके लिए भी नौकर रख लो। उठाया भी नहीं जा रहा, 10 किलो मिल्क पिया था तब उठा पाएगा। चुप कर मैना नाना बकरी, बाय मम्मा। बाय बाय बेटा। रिंग रिंग द रिंग, रिंग रिंग द रिंग, अरे फोन आ रहा है वैनिसा का। हेलो, हेलो मैं बोल रही हूँ वैनिसा। क्या तुम बोल रही हो, हाँ मैं आने वाली हूँ चाय पकौड़े बना के रख रहा। तुम इतना गंदा सा क्यों बोलती हो, क्या मैं बोल रही थी, तुम तो कितना अच्छा बोलती हो। हाँ वैसे मैं एक बात कहना चाहती थी, उस फिश को तो हट्टा कट्टा बना लो, फिर ना मैं आऊंगी उसकी लाइट देखने मुझे। क्या हाँ मैंने तो स्किपर का हेयर कलर देखा था, इतना बेकार हेयर कलर था, मेरे को तो अच्छा भी नहीं लगा। अच्छा तुमने वो वाली ड्रेस ली, वो जो नई नई अभी शॉप पर आई है, मैंने तो ले ली। हाँ आज मैं पहन के भी बैठी हूँ, रेड कलर की है। अरे हाँ हाँ तुमने जो सड़े से मॉल से वो हील्स ली थी, हाँ हाँ वही वाली हील्स, हाँ वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा मैंने तो खरीद लिया वो वाला मेकअप, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं होता, मैं सब खरीद लेती हूँ, मैंने पूरी दुकान, ऐसा लगता है जैसे मैंने पूरी दुकान लूट ली। तुम्हें पता है मैं खतरों के खिलाड़ी हूँ, मैं कैसे लड़ चुकी आती हूँ, मैं अभी ना मैं एक मिशन पर हूँ। अच्छा तो तुम एक मिशन पर हो, हाँ हाँ मैं बहुत बड़ा मिशन कर रही हूँ, जैस्मिन की तरह, जैसे जैस्मिन आती थी ना, मैं उनकी नकल कर रही हूँ। टन टन, वीडियो कॉल में तो तुम बहुत काली दिख रही हो। अरे ये क्या हुआ, टन टन आवाज आ रही है, अरे मेरी बैटरी लो हो गई तुम कितनी बातें करती, मैं तो एक शब्द भी नहीं बोला, अरे बंद हो गया फैनिसा की बच्ची कितना बोलती है, मैंने तो एक बात भी नहीं बोली। हाँ टाइम भी कितना हो गया, अरे आज सुबह के 8 बज गए, मुझे तो 7 बजे तक पूरा काम फिनिश करना था, आज मेरा शो मिस हो गया, मेरा सीरियल इसको पकोड़े खाने होते, अरे ये फिर फोन मुझको फोन कर देती है और खुद बना नहीं सकती, बहुत गुस्सा आता है मुझे, बहुत गुस्सा आता है, मैं मार दूंगी इसे। पकौड़े खाने वाली बहनी से अच्छा मैं बर्तन नहीं धोता, इतनी बड़ी प्लेट धोने पड़ रही है मुझको, अरे राम 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 राम। दोस्तों इन पागल औरतों के चक्कर में मत पड़ना, ये औरतें बहुत पागल है, ये तो कहीं भी शुरू हो जाती है, उस बेचारी वैनिसा को बोल देती है। इतना गंद फैलाने वालों को तो जेल हो जाना चाहिए, मोदी जी की तो बात ही नहीं सुनता कोई।
मैं तो सुनती हूँ बहुत अच्छी लड़की हूँ मैं। हाँ बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत अच्छी हूँ। थोड़ा दांस होते हम काम कर करके मरना थोड़ी ना। अब दामन गिचका दामन पैर मटक चलूंगी, दामन गिचका दामन पैर मटक चलूंगी। अरे हाँ भूल गई, अपना तो ऐड करना नहीं। मैंने सबको पकोड़े में बड़ी मिर्ची डालूंगी, मैंने सबके दीजिए बजलाऊंगी, मैंने सबके दीजिए बजलाऊंगी। कितना मजा आता है ना अपने गाने बनाने में। उस वैनिसा का गाना बनाने में सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे। फ्रेंड्स आपको पता है ये वैनिसा ना, मैं आपको पता है मैं वैनिसा की बुराई क्यों करती हूँ। अरे चोर नहीं है, चोर चोरी कर लेती है, तभी तो मैं पिछले पार्ट वन में वो कह रही थी वैनिसा तुम कुछ चोरी मत कर लेना, चाय बना के लाती हूँ। अरे राम फूटिया कर, ये पैंट भी खुद निकल रही है। अरे पैंट जी आप मुझसे बोल क्या रही है? अरे क्या बोल रही है? ओ अच्छा आपको निकल जाना है, पर मैम आप मुझे मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। फ्रेंड्स आप ही बताइए वैनिसा जलेगी या नहीं जलेगी? फ्रेंड्स चलिए मैंने और गंद पा दिया, ठीक करती हूँ। स्टार्ट करो। ओ मैं कितनी खूबसूरत हूँ। पीप पीप लगता बच्चे आ गए। हम आ गए, वेलकम बैक। थैंक यू मम्मा, शारोज भाई बोल रहे थे बहुत भारी है। रुको मैं उतारती हूँ अभी। चलो उतार दिया। तुमने अपना लंच फिर ठीक से फिनिश किया? अरे वाह तो पूरा लंच फिनिश करा हुआ। मम्मा इसमें अपनी शक्ल तक देख सकती हो? हाँ हाँ दिख तो रहा है। टिंग टॉन्ग आ गई वैनिसा, पकौड़े खाने, पकौड़े भी बना रखे। हेलो अरे मैं आई हूँ। मैं कौन? मैं वैनिसा। तुम हिमालय के पहाड़ों पे क्या तपस्या करने जा रही हो? नहीं तो तुमने कैसा झूठा बना रखा है? क्यों अच्छी नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। अच्छा गिफ्ट ले लो, गिफ्ट लाई हूँ। इसमें बॉम्ब लाई हो क्या? नहीं मैं तुम्हें बॉम्ब दे दूंगी क्या? थैंक यू थैंक यू। आंटी जी नमस्ते, लड्डू पेड़े सस्ते, खाने हैं तो खाओ इतने रस्ते। बोर मत करो, एक ही डायलॉग है। बेटा इधर आओ। हाँ जी मम्मा। हे भगवान, पहले ठीक था, एक आ जाती थी, अब बच्चे भी ले आए अपने। क्या कहा तुमने? अब कुछ नहीं, मैं तो कह रही थी तुम्हारे बच्चे कितने क्यूट है। आंटी गिफ्ट रख भी दोगे अगर ले जाओगी? नहीं नहीं बेटा ले लो ले लो। उफ़ी शारो, बच्चे भी माँ की तरह फटाफट कुछ कुछ बोलते हैं। माँ बेटे, माँ बेटा, बच्चे सारे एक जैसे। गिर गई। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या खरीद लिया थी। ओहो माय गॉड क्या है इसकी फैशन, सेल में से उल्टा सीधा खरीद लेते जो अच्छा भी नहीं लगता। कमेंट्स में बताना फ्रेंड आपको भी ऐसे आई ना। फ्रेंड आपको पता है वैनिसा का जूड़ा ऐसा लग रहा है ऐसा पंपकिन जैसा, आपको भी ऐसी आई ना कमेंट्स में बताना। फ्रेंड्स पकौड़े के लिए सामान नहीं था तो मैंने पंपकिन पाए बनाया, खाओगे? तुमने पकौड़े नहीं बनाए? बनाए हैं भाई, वो सुनाओ जन। इसके घर जाओ कुछ नहीं खिलाती। वैनिसा तुम उल्टी कैसे हुई? अरे तुम जब गद्दर की तरह क्यों लटकी हुई हो? अरे मेरे को मेरा स्टाइल है, तभी तो मैं इतनी फिट हूँ। ये भगवान इस औरत को क्या गए, पागल तो नहीं हो कि मैं तंग हो जाऊंगी? और अगर तुम रोज ऐसी आती रही तो मैं सच में एक दिन इतनी पागल हो जाऊंगी कि तुम्हें खा जाऊंगी। फ्रेंड्स मैं नॉर्मल हो जाती हूँ तो मुझे लोग पागल खाने ले जाएंगे, मेरे को हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा चलो कुछ खेलते हैं। अच्छा ठीक है, जो स्टोन पेपर से जब मैं हारेगा उसे मुक्के लगेंगे। ये गेम तो बहुत अच्छा है पर एक जज भी तो होना चाहिए। जज बनेगी सोनाली? अब मुकाबला होने वाला है मिले और शैरो के बीच। स्टोन पेपर सीजर, मैं हार गई। अरे वाह तुमने तो खाने के लगता कुछ बना दिया, मजा आ गया। अरे ये बर्गर कितना टेस्ट किया। हाँ हाँ तुम्हारी जैसे थोड़ी ना कंजूस। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे ये कर रहे लगता ऊपर से आ रही है। बेटा क्या हो गया, तुम लोग रो क्यों रहे हो? हाँ बताओ बताओ। अरे जो हारेगा वो मुक्का
मारे उसको मुक्का लगेगा हम ये खेल रहे थे हम हार गए चारों ने पांच मुक्के मारे मम्मा इस लड़के को तो मैं आओ शारे यहाँ पे खुद तो बोल रही थी जब मार दिया तब रोने लग गई इतनी बाली होगी और छोटे बच्चों जैसी लोलियां मेरे को भी तो मुक्का लगा था फिर मैं तो नहीं रोई तुझको रोग मुझे लगता है ना तभी तो नहीं रोई चल चिंगा तू पापा को बता दूंगी मच माल खाते मैं तो बहुत अच्छी हूँ पर सारे बर्गर खा गए क्या तुम जिसको जैसे जी मिल जा रहा है बर्गर पिज्जा बड़ा टेस्टी अरे तुमने गले में क्या पहना हुआ अरे फैशन है तुम टूने वूने तो नहीं करती नहीं अरे मैं तो फैशन है क्या अजीब चीजें खरीदती हो क्या अरे मैं तो कह रही था तुम्हारी चीजें कितनी ब्यूटीफुल होती हैं तो मैं चलती हूँ चाहती हूँ हाँ तुम्हें हिमालय भी तो जाना है क्या कुछ नहीं जाओ जाओ मम्मा रहने दो ना मम्मा तो रोते ही बहुत है तंग कर देंगे तुम सबसे ज्यादा तंग करते हो अब इतने इसको पता था ना कितने बर्तन धोने पड़े हैं मुझे फिर मैं इसको बोल दूंगी कि बर्तन धुलाने में हेल्प कर दो तब इतनी जल्दी चली गई मम्मा हाँ जी बेबी बोलो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके फेस पे खतरनाक लिखा है मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आप मेरी पिटाई करने वाली इसलिए बिल्कुल बेटा कर दो तुम्हारी पिटाई नहीं नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं आ गया ये सब क्या हो रहा है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हारे फेस पर लिखा है खतरनाक एक बार फिर से तो दिखाना घटिया है मेरा इमेजिनेशन तुम कैसे कर लेते हो कहाँ देखा मेरे फेस पर खतरनाक जरूर वैनेसा आई होगी तब इसका गुस्सा इतना आ रहा है क्योंकि जब भी वैनेसा होती है उसे गुस्सा बहुत आता है फ्रेंड्स आप ही बताओ आई थी वैनेसा इतने सारे बर्गर खा गए घपड़ 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 हाँ सर मैं तो देख तो रही थी कि मुझे लग वहाँ देख रही थी झूला देखा था तुमने हाँ देखा तो था ऐसा लग रहा था जैसे साधु महाराज आ रहे हो हाँ वो हिमालय चले जाए तो मजा ही आ जाए तुम्हारे दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ इसका मेरे दिमाग पर नहीं मेरे तन बदन पर उसका असर हो चुका है घर में देख भी ना कुछ कुछ चुरा कर तू नहीं ले गई मुझे बहुत थक गई सो जाती लो जी लो वैनेसा मैम आज के बाद मत आने ये पागल हो जाती है और अब सो गई देखो फ्लोर पर लेटी है फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबाना पर जोर से मत दबाना मेरा सिर दुख रहा है तो तुम्हें कौन बोल रहा है कि ये वीडियो में आओ तो इतनी एक्साइटेड क्यों हो जाती है तू हाँ हाँ फ्रेंड्स आप बेल आइकन भी दबाना पर जोर से मत दबाना इसका दिमाग खराब हो जाएगा मेरे फैमिली के लोग आते रहेंगे मिलते रहेंगे और हम लोग सबको हंसाते रहेंगे हंसी आई क्या नहीं